कितना पढ़े ला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे तिच्चिया माइला। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका पूरा? लड्डन जाफरी। साबित करो किस तरह। चूंकि माँ कह रही है इसलिए मानना पड़ेगा। ओ भाई एक्टिंग नहीं कर। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। भाई मेरा शो है, मेरी मर्जी है जो बातें करूंगा। मेरी मर्जी है, नहीं करनी बात जा नहीं करता मैं। मैंने आपको बोला क्या है? हमेशा मेरे शो में कहते हैं कि सिर्फ 17-18 साल के लोग आते हैं। गलत कहते हैं ना? नहीं, किसी ने रोका तो नहीं ना आपको? किसी ने रोका 32 इयर्स में। करते क्या हैं आप? मैं आलिम हूँ। शादीशुदा हैं आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं देखिए मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये दाढ़ी से इस चीज का ताल्लुक नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज करने आए। हम कोई इसमें लिमिट नहीं रखते कि कोई बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का है, वो कहाँ से आ रहा है, ये नहीं है। आप हिम्मत वाला काम अभी यहाँ क्या कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि आपके अंदर वो स्टेमिना है कि कल को जब आप यंगस्टर के साथ मुकाबला करेंगे तो आप जी सकते। मुझे पतंग उड़ाने की आदत है। मैं करबला में जा ठहरा था, छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगा, छत से गिरा और मर गया। इंतकाल, मर गया। और उठा के मेरी लाश में फेंक दी का इकलौता बेटा मेरा। और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊँ? मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। ओए! जिस तरह तूने यहाँ के जिस टोन में बात की ना, इतनी देर हम किसी को बैठने देते नहीं, लेकिन तुझे इसलिए बैठने दिया कि मुझे लग रहा है कि इलाज की जरूरत। कुछ लोग हैं जो मेरे फेसबुक पर सुबह शाम होते हैं, उनमें से आप है जी। कुछ भी मैं डालता हूँ तो आप वहाँ पर कोई ना कोई चीज जरूर लिखते हैं जी। अच्छा भी लगता है मुझे कि आप इतना टाइम देते हैं। थोड़े दिन पहले वहाँ मेरा रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट हुआ कि मेरी एक कोई गर्लफ्रेंड है। क्या लिखा आपने नीचे? और जितने फेसबुक पे बैठे हैं वो तो जाहिल क्या अबू जहल के नस्ल से। अबू जहल यानी फेसबुक का दूसरा नाम रख दीजिए अबू जहल। जाहिल तरीन लोग बैठे हुए जो बहस करते हैं, अपनी इल्मियत दिखाते हैं। अबे ये एक्टिंग किसको दिखा रहा है? यही तो जुर्म है ना मेरा। ओहो, ये बातें मेरे सामने नहीं करो। बैठे बैठे कोई 15 सेकंड के लिए ऐसी चीज कर जिससे मुझे लगे कि तू इंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग है। तू बोरियत से भरपूर लग रहा है मुझे इसको, और झूठा लग रहा है। फेक लोग नहीं चाहिए। डांस करो, चलो गाने के बगैर। लिविंग ऑन द एज ना, नचले तो नहीं है। असल में स्वीट टाइप की, आपकी बात हर कोई सुन लेता है। ये नहीं, सिलेक्शन हो गया। ये तो होगा।